साहित्य के वरिष्ठ और प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को पश्चिमी पंजाब के गुजरात में हुआ, गुजरात शहर जो अब पाकिस्तान में है। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली में हुई। कृष्णा जी से पहले हिंदी साहित्य में लेखिकाओं की उपस्थिति कम ही दिखाई देती है। अपने लंबे साहित्यिक सफर में इन्होंने कहानी, उपन्यास, संस्मरण और निबंध लिखे। उनकी शब्दों के आलोक में नामक पुस्तक शब्द चित्रों की अत्यंत सराहनीय कृति है। आधुनिक भारत के इतिहास के संकटों और सवालों से जूझने का सार्थक प्रयास इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनका जीवन जीने, सोचने और लिखने का एक खास अंदाज है जो इनकी शख्सियत की पहचान है। आइए आपको रचनाकार कृष्णा सोबती से रूबरू कराते हैं। मैम, हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में कई बार आपके लेख पढ़े हैं, आपकी रचनाएं पढ़ी हैं। जब भी वो लेख और रचनाएं हम पढ़ते थे तो मन में एक जिज्ञासा उठती थी कि आपसे एक मुलाकात हो, आपसे सवाल, आपसे कुछ बातचीत करें। तो आज हमें मौका मिला है कि हम आपसे बातें कर सकें, आपसे कुछ पूछ सकें। मैम, हम सबसे पहले प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहता हूँ, मेरा इम्तिहान मत लीजिएगा मैम जी, हम बस आपसे छोटी सी मुलाकात, हाँ, थोड़ी सी छोटी सी बातचीत करना है जी। चलो, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप लेखिका ही क्यों बनी? देखिए, इसका जवाब किसी के पास हो नहीं सकता, लेकिन मेरे अगर मैं अपने दिल को टटोलूँ तो ऐसा महसूस होता है कि मैं लेखक के सिवाय और कुछ बन ही नहीं सकती थी। मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं थी जो दूसरे अनुशासनों में इंसान को बहुत सफल कर सकता है। लेकिन यहाँ मैं ये भी जोड़ दूँ कि लेखक होना अपने आप में इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, बहुत मुश्किल है। लेखक में बहुत सी चीज़ें एक वक्त पर जब वो छोटा ही होता है वो मिश्रित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। एक तो ये है कि उसमें दूर अंदेशी होनी चाहिए, चीज़ों को ताकने की, चीज़ों में देखने की ताकत होनी चाहिए, सिर्फ चीज़ों को देखने की नहीं। इसी तरह उसमें मेहनत करने की बेहद जज्बा होना चाहिए मेहनत करने का, और इसी तरह दूसरे को मैं समझकर और अपने को दूसरा समझकर आप एक चीज़ को प्रस्तुत करते हैं तब वो पात्र उभरता है। लेकिन मैं ये पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि लेखक उसका जिम्मेदार नहीं होता, जो पात्र है उसकी ताकत होती है जो एक साधारण आदमी में होती है, वो लेखक अपने में खींच के फिर उसको पन्नों पे लिखता है। मैम, आपने अपने स्कूली जीवन का कोई आपको जो यादगार प्रसंग याद आता है, क्या आप हमें वो बताना चाहेंगी? जी, स्कूली जीवन के तो बहुत प्रसंग होते हैं, और बचपन में आप अगर बचपन में लौटें तो अजीब ही तरह की चीज़ें आपके सामने से गुजरती हैं यादों में भी, क्योंकि बचपन एक इतनी ताजगी चीज़ होती है। आपका दिमाग भी अभी जैसे जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती नहीं होते, वो बच्चे थोड़े से डल रहते हैं बड़े होके भी। जो बच्चे शरारत करते हैं इसका मतलब है उसका दिमाग उस चीज़ पे चल रहा है और वो कुछ सोच रहे हैं कि मैं यूँ करूँगा तो चीज़ बिगड़ जाएगी, मैं यूँ करूँगा तो चीज़ सही हो जाएगी। इसी तरह हम लोगों ने भी बहुत ही चीज़ों को अपने ढंग से देखा, और ये एक कहना चाहिए कि ये एक खूबी थी हमारा जन्म लेने की, कि हम एक ऐसे वक्त पे पैदा हुए जब यहाँ पर एक इतिहास बन रहा था, और इतिहास था हम लोग बच्चों के तौर पे एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के जो एक किस्म से ग्रुप होते हैं वो बच्चे थे, और हम बहुत नज़दीक से एक
ऐसी सरकार को देख रहे थे जो कि बाहर की थी। उस वक़्त ये दोनों चीज़ें हम में घटित हो सकती थी। हम ये भी सोच सकते थे कि देखिए ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं, ये तो इनके हाथ में हुकूमत है, ये क्या नहीं कर सकते। हम उनकी नकल भी कर सकते थे। लेकिन खूबी ये थी, जो मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी, कि हमें इस चीज़ को समझने का मादा पैदा किया गया किताबों से, पढ़ाई से, बातचीत से, घर के संस्कार से, कि देखो वो अंग्रेज़ हैं और हम भारतवासी हैं। अपने भारतवासी को अपने में मौजूद रखो और ज़िंदा रखो और उसमें अपने आप को गौरवशाली समझो। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हम हाईलैंडर बैंड्स देखते थे इतवार को गिरजा घर पर, गिरजा मैदान में, बहुत ही सुंदर जगह है, चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में एक गिरजा खड़ा है, बहुत ही सुंदर रहा है जगह। वहाँ इतवार को, शनिवार को हाई लैंडर बैंड्स लोग बहुत बढ़िया, उनके जब स्कर्ट्स ऐसे करते थे तो हम बच्चों के तौर पे बहुत खुश होते थे, और उनके स्कर्ट्स भी चेक होते थे, गर्म चेक चुनो। तो हमने जब महात्मा गांधी को वहाँ पर देखा तो हमें पता लगा वो कुछ भी नहीं है। बच्चों के तौर पे ऐसा महसूस करना ये हमारा काम नहीं था। हमें घर में एक तरह से इन चीज़ों को दिखा दिया गया था कि तुम ये हो और वो हैं। उस वक़्त हम बच्चे थे और हमें इस बात की मनाही थी कि आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ बातें नहीं करेंगे, ये वो सब। फिर भी जब हम एक दूसरे को देखते थे, जैसे आप और आप बैठे हैं, तो हम ये कहा करते थे, अप अप है गांधी सच्चा, डाउन डाउन है टोडी बच्चा। इस तरह की वो जो चीज़ थी वो हमारे आज तक। फिर उसके बाद हमने आज़ादी का संघर्ष देखा, उसके बाद विभाजन देखा, उसके बाद आज़ादी देखी, और फिर आज़ादी के बाद एक लोकतंत्र को पनपते देखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और हम खुश हैं कि आप भी इसके अंदर बड़े हो रहे हैं, हम भी इसके अंदर बड़े हुए। लेकिन जब हमारा विभाजन हुआ तो हम उस वक़्त युवा श्रेणी में थे। उसके बाद उसके बीच में से गुज़र के आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा बनाते हैं कि मुझे वो सब जो चीज़ें एक ढंग से एक रास्ता से चलती हैं और हमें आराम देती हैं, खाली वही चीज़ें जो नहीं हैं, ऐसी भी दुनिया में चीज़ें हैं जो उथल पुथल के बाद आप अपने भी महसूस करते हैं एक ताकत उनका सामना करने की। आपके बचपन की थोड़ी सी झलक तो हमने आपके बचपन पार्ट में देख ली है। जैसे आप सबसे मनोरंजक था कि जब आपके भाई ने आपको चश्मे के कारण चढ़ाया था कि सूरत पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, लेकिन ये नई लड़की को मालूम सूरत बनी दूर की। तो वैसा ही और कोई मनोरंजक आपको कोई याद है? बहुत कुछ याद है। मैं ऐसा एक छोटा सा काम भी कर रही हूँ। देखिए उन दिनों जो हम गेम्स खेलते थे वो कई किस्म के थे, हॉकी थी, तो हम एक दिन ऐसे खेल रहे थे जैसे आप कविताएं में देखते हैं कि एक कविता इस शब्द के ऊपर बंद होती है, फिर एक ये है कि आपने एक शब्द बनाया, दूसरा उसी मुकाबले का दूसरा शब्द पेश करेगा। तो मेरी जब पारी आई तो मैंने कहा सिकंदर, क्योंकि हो सकता है मैंने उन दिनों किताबें पढ़ा हो सिकंदर महान, सिकंदर। उन्होंने कुछ और शब्द बोला। दूसरी बार जब मेरी बारी आई मैंने कहा सिकंदर सिंह। तीसरी बार जब बारी आई मैंने कहा सिकंदर लाल। उन्होंने कहा ये रौनची है, ये आप गलत कह रहे हैं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये झगड़ा हो ही रहा था कि हमारे पिताजी ने हमें आवाज़ दी, बच्चों ये क्या झगड़ा है। उन्होंने कहा, मेरे छोटे भाई और बड़ी बहन जो उन दिनों हॉस्टल से आई हुई थी, उन्होंने कहा कि ये रौनची कर रही हैं, ये बार बार एक ही शब्द बोल रही हैं और कह रही हैं कि ये शब्द अलग है, इनको बाहर होना चाहिए। उन्होंने मुझे सब कहा कि बताइए आपने ये शब्द इस्तेमाल किया है, आपको बाहर क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने पहली बार कहा है सिकंदर, दूसरी बार कहा है सिकंदर सिंह, तीसरी बार कहा है सिकंदर लाल, और चौथी बार कहा है सिकंदर महान।
तो पिताजी ज़रा चुप कर देखे, अब ये कैसे आप बताओगे कि आपके मतलब क्या है। हमने कहा सिकंदर जो है, जो हमारा पड़ोसी है, सिकंदर सिंह जो है जो वहाँ नज़र आता है, और सिकंदर लाल जो है उनके कैप्स अलग हैं, उनके पोशाक अलग हैं, उनके चेहरे अलग हैं, और सिकंदर महान जो है वो इतिहास में है। अब बताइए ये चारों में से एक क्या हुआ। तो वो हंसते रहे, कहा ठीक है ये सूरज गया, आप लोग खेलिए। पर दूसरे दिन उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर एल्बम ला के दी और कहा मैं तुम्हारी कल्पना से खुश हूँ और इसके अंदर जो भी तुम्हारे मन में आए वो लिख लिया करो। मैम आपने कई रचनाएं लिखी, कई कहानी संग्रह, संस्मरण, कितने ही लेख आपने लिखे, उसमें से आपकी सबसे प्रिय लेख, कोई रचना और सबसे प्रिय चरित्र आपका कौन सा रहा? देखिए आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि मैं काफ़ी सख्त किस्म की तालीम रखती हूँ। मैं जब काम कर रही होती हूँ और जब मेरे कृतियाँ छप जाती हैं, काम कर रही होती हूँ, तो मैं उनको ये नहीं समझती कि मैं उनका लेखक हूँ। मैं बहाना हूँ उस चीज़ का कि मैं उन तक पहुँचूँ और देखूँ कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और वो कैसे स्थित हैं, किन परिस्थितियों में वो अपने आप को उजागर कर रहे हैं और अपनी हिम्मत छोड़ते नहीं हैं। तो मैं ये करती हूँ। यहाँ एक बहुत बड़े ख़तरे होते हैं जो लेखक के मेज़ पे पड़े रहते हैं, वो जिनका वो सामना करता है, वो ये है कि अगर आप उनके बहुत नज़दीक हैं जिन्हें आप लिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक सगे संबंध की तरह आप उसकी तारीफ में कुछ करते जाएंगे। इसी तरह अगर आप उनसे बहुत दूर हैं तो आप उनको महसूस नहीं कर सकेंगे। इसलिए जितनी दूरी उनके साथ है उतनी ही नज़दीकी उनके साथ होनी ज़रूरी है मानसिक रूप से। इसलिए जब ये ख़त्म हो जाता है, जब वो प्रकाशित हो जाती है, उसके बाद मैं उनकी तरफ ज़्यादा देखती नहीं हूँ, क्योंकि आगे देखना बहुत ज़रूरी है। और लेखक का सबसे बड़ा इम्तहान ये है कि उसकी जो पिछली किताब थी ज़रूरी करके उसका फ़ायदा वो अगली किताब तक नहीं उठा सकता। उसको अपने आप को प्रमाणित करना होता है हर बार कि अभी भी मुझ पर कुछ लेख बाकी है। आपने कई लेख लिखे हैं, पहला लेख आपका पब्लिश हुआ तब कितने उम्र की थी? मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ी। हाँ जी, तो मुझे एक बहुत ही एक मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास बहुत अच्छे संपादक रहे हैं और मैंने उन्हीं से इस बात को देखा, उनकी निगाह से अपने को देखा। जब सिक्का बदल गया निकली थी प्रतीक में, तो अगे जी उसके संपादक थे, तो जब वो छप के आई तो मैंने अपने कमरे में रख को अपने मेज़ पे रख दिया। जब सब कुछ हो गया तो मैंने उसको चुपके से खोला देखने के लिए कि इसके अंदर उन्होंने कितने शब्द बदले हैं। तो यकीन मानिए दो दफ़ा पढ़ा, तीन दफ़ा, फिर मैंने अपने हाथ की लिखी हुई कॉपी निकाली, उसमें देखा नहीं कोई शब्द बदला हुआ नहीं था। तो मैंने अपने दिल में ये सोचा कि अब मुझे अपने आप को गंभीरता से लेना चाहिए। मैम जब आप हमारी उम्र के थे तो आपको किन लेखक लेखिकाओं की रचनाओं ने सबसे ज़्यादा प्रेरित और प्रभावित किया? देखिए वो एक बड़ा अजीब सा वक्त था, जबकि शिमला और दिल्ली में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, वो 6 महीने शिमला में गर्मी में और सर्दी में दिल्ली में हम लोग मूव करते थे। तो वहाँ पर आर्य समाज के जलसे हुआ करते थे और ब्रह्मू समाज के, उन जलसों में किताबों का ढेर होता था, क्योंकि वैसे तो आमतौर पर जैसे हमारा घर था उसमें उर्दू की, अंग्रेज़ी की किताबें बहुत थी, हिंदी की किताबें बहुत कम थी, सिर्फ वो थी जो मेरी माँ अपने दहेज में लाई थी, जैसे रामायण, महाभारत, सत्यार्थ प्रकाश, ऐसी किस्म की किताबें। वहाँ पर किताबों को देख के हम लोग बार बार जाते थे और हमें बड़े लोग
इस बात का वो देते थे, संकेत देते थे कि इनको देखो, इनको देखो, वो वाला स्टॉल है, वहाँ पर ये किताबें हैं। जैसे टैगोर की किताबें थी, बंकिम चंद्र की थी, द्विजेंद्रलाल एक उनके नाटक थे, वो नाटक उनको देखिए, दुर्गादास एक नाटक था उसमें, फिर राजस्थान की वीरानियाँ, इस किस्म की किताबें जो थी ब्रह्मो समाज के जो लोग ऊपर उभर रहे थे उनके बारे में। बंगाल उस वक़्त बहुत ऊपर था, फिर क्रांतिकारी को हाथ लगाना ज़रा मुश्किल था उनकी किताबों को, वैसे तो कम होती थी वो किताबें, फिर धार्मिक किताबें होती थी, वैदिक विनय, सत्यार्थ प्रकाश, गीता, रामायण, इस किस्म की चीज़ें होती थी, और हमको सब हमने पढ़ा। लेकिन लास्ट दिन पर जब वो ख़त्म होने वाले होते थे तो वहाँ कंसेशन होता था, तो हम लोगों को अपने आप पैसे मिलते थे कि आप अपनी पसंद की चीज़ लेके आओ। अब वो देखते थे कि ये कितना इन्होंने किताबों से, उनके शीर्षकों से, उनकी चीज़ों को देख के समझा है जो ये अपनी किताब उठा कर लाए हैं। तो किताबों की हमें कोई वो नहीं थी, अंग्रेज़ी की किताबें बहुत थी, क्योंकि जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी थी अभी भी है, कभी भी आप का वहाँ जाना होगा अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में आएंगे। अब आप क्या बनना चाहती हैं? मैं लेखिका भी बन सकती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पर आप देखिएगा कि वो वहाँ बहुत किताबें थी। मैंने जब मेरी कुरेली को पढ़ा था अंग्रेज़ी में तो मैं काफ़ी छोटी थी, पूरी समझ में भी नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद किताबों की आवाजावी और हिंदी की जो पत्रिकाएं थी, विशाल भारत और सुधा, इस किस्म की पत्रिकाएं भी हम पढ़ते थे, चाहे हमें वो समझ में कुछ आती हो या ना आती हो। एक माया आती थी उसमें, हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसमें खाली कहानियाँ होती थी। तो इस किस्म मॉडर्न रिव्यू भी वहाँ से निकलता था। तो ये चीज़ें जो है ये सब मिला के आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देती हैं जो एक तरफा नहीं है। अगर मैं आपको सुन रही हूँ, आपको बिल्कुल मैं गंभीरता से लूँगी, क्योंकि आप मेरे अगले वक्त के हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अब मेरे अनुभव का हिस्सा नहीं है और आपके अनुभव का हिस्सा है। ये जो चीज़ है, किताबें हमें यही सिखाती हैं, और किताबों से बढ़ के और कोई संपत्ति नहीं है। एक पुस्तक है शब्दों के आलोक में, उसमें एक लाइन पढ़ी कि समय ही वह रंग है जो विभिन्न रंगों में विभाजित होता है और फिर पाठन प्रक्रिया से फिर एक हो जाता है। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएंगी? जी, समय के कितने रंग हैं, एक तो हमारी अपनी ज़िंदगी में ही हैं। आप बड़े हो रहे हैं, आप पहली बार स्कूल गए हैं, फिर आपने पाँचवीं क्लास, कैसे कैसे आपके माता पिता के चेहरों के भाव बदलते हैं, असल में वो रंग बदलते हैं। उनको मालूम है ये बड़े हो रहे हैं, अब ये होगा, अब ये होगा, ये। और आपने देखा होगा कि जब हम जैसे रंगों को हम पहनते हैं, जैसे रंगों उसके साथ हमारा स्वभाव जो है, हमारा मिजाज जो है वो बदलता है। क्या कुछ ऐसे रंग हैं जो आपको एकदम गंभीर बना देते हैं, आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, आप खुद ही अपने आप ही बहुत सी बाहर की चीज़ों से अलग हो जाते हैं। कुछ ऐसे रंग हैं जो आप पहने, जैसे मैं ये पहनी, ये रंग है, ये पहनते ही आप अपने आप को बहुत ही जिसे कहते हैं कार्यशील महसूस करते हैं, और कुछ ऐसे रंग हैं जो आपको भावुक बना देते हैं। तो ये समय की जो पूरी श्रृंखला है वो बहुत ही सुंदर है। इस लोक में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है जिसे हम व्यक्त करते हैं, जैसे हम समय को देखते हैं, जैसे वो बढ़ रहा है, जैसे वो बदल रहा है, आपके अनुभव बदल रहे हैं, वैसे ही वैसे आपका जो मिजाज है वो भी बदलता है। इस उस समय के रंग की ओर मेरा इशारा होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। आपने बचपन रचना में
बोला है कि आप चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी, जी तो क्या आपको आज भी चॉकलेट खाना उतना ही पसंद है? उतना ही, पर अब डॉक्टर लोग कहते हैं ज़्यादा मत खाइए, बस इतना ही खाइए, एक या दो उससे ज़्यादा नहीं। पर बचपन में जैसे बर्फ़ का टाइम वक्त होता है तो बर्फ़ पड़ती है, बहुत ही सुंदर लगती है, एकदम रुई जैसे धुन रही है। और सबसे सुंदर वो है एक शिमला में, उसको कहते हैं विद्या माता की पत्तियाँ, वो बहुत सुंदर कटी हुई होती, कटीली पत्तियाँ, कोई सोच ही नहीं सकता कि ये कोई उगते भी ऐसी पत्ती बच सकती है, वो ऐसी होती है। वो है पेड़ के ऊपर छोटे से जो पत्ते हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी सफ़ेदी, और जब वो यूं करके बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसके अंदर जैसे आपने, ये नहीं है कि आप घर में घुस के बैठे हुए हैं, और शिमला में हमने बहुत मज़े किए, और भी पहाड़ों पे, ख़ास तौर पे बर्फ़ में, आप खूब कपड़े वपड़े पहन के और फिर बाहर जाते हैं। और स्लेजिस होती थी उन दिनों, लकड़ी की बनी हुई होती है, नीचे उसके पहिए होते हैं, उसके ऊपर बैठ के आप उतराई पे उतरते हैं उसमें बर्फ़ में। और लेकिन उन दिनों हमारे दिल में एक बहुत ही बड़ा कांटा था, उसे था कि नीचे हमारे ही घर के पास, वो बिल्कुल माल रोड के नीचे ही ब्लेसिंगटन ग्राउंड था स्केटिंग का, तो उस स्केटिंग ग्राउंड में सिर्फ अंग्रेज लोग जा सकते थे, और उधर बर्फ़ जमी होती थी, ऊपर आसमान है, तारे निकले हुए हैं या बर्फ़ पड़ रही है, और वो लोग नीचे स्केट बांध के कई किस्म के खेल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वो जब हिंदुस्तानी बच्चे ऊपर से देखते थे, उन्हें बहुत बुरा लगता था कि हमारे हिंदुस्तानियों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो उसके लिए स्लेजिस थी लकड़ी के ऊपर, आप ऐसे करके नीचे जा रहे हैं, और पहाड़ आपको कुछ कर देते हैं, पहाड़ में कुछ ऐसी ताकत है, आप उनको देखते हैं निशब्द खड़े हैं, और क्या नहीं है, हमारी जो धरती है उसको कितना उन्होंने सरसा दिया है, ये भी देखने से ताल्लुक रखता है। आप लोग पहाड़ों पे जाते हैं? आप जब भी कभी पहाड़ पे जाएं, आपका स्कूल आपको लेके जाए, आप लद्दाख ज़रूर जाइए, लद्दाख और कश्मीर, जहाँ आपने कारगिल का भी नाम सुना होगा, कारगिल की बड़ी भारी लड़ाई हुई थी, तो वो मैं जब गई थी तो वहाँ एक बर्फीला पहाड़ है, खारदुलांग उसको कहते हैं, तो वो काफ़ी दो तीन जो श्रृंखलाएं हैं कराकुरम की, हिमालय की, हिमालय को देख के आदमी हैरान रह जाता है। वहाँ पर जो है, वहाँ जो लद्दाख है वो काफ़ी खुश्क है, चट्टाने ही चट्टाने हैं और पहाड़ी पहाड़ है, और खूबी ये है कि ऐसी जगह से नदियाँ निकलती हैं, और कैसी नदियाँ, जैसे सिंध है, सिंध को कहते हैं दहाड़ता दरिया, वो सेम उससे निकला है, वो लोग कहते हैं लद्दाखी। और जो ब्रह्मपुत्र है वो पवित्र घोड़े के मुँह से निकला है, और जो गंगा है वो गौमुख से निकली है, बहुत सुंदर। तो वहाँ खड़े होके आपको अपने देश के लिए बहुत गहरा भाव होता है कि देखिए यहाँ हम सबसे ऊंचे पर्वत पे खड़े हैं, और नीचे सबसे नीचे हमारा जो है वो समुद्र है, ये कितना बड़ा देश है। मैम, आप ये जानते हैं कि आजकल हम बच्चों में पढ़ने की आदत थोड़ी कम होती जाती रही है, तो आप कुछ ऐसी रोचक पुस्तकों के बारे में हमें बताएं जिससे हमारी पढ़ने की आदत जो है थोड़ी विकसित हो, और हमें उन लेख को पढ़ने में थोड़ी मज़ा भी आए, थोड़ी रुचि भी पैदा हो। हाँ, देखो योगेश, आपको ये समझ के, और आपको ये समझ के कि आप दोनों में हमारे पाठक हैं, और मैं सब लेखों की तरफ से आपसे ये माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ आपके एज ग्रुप के लिए थोड़ी किताबें कम हैं, क्योंकि अब ज़्यादा होने वाली है, हालांकि और जो चीज़ें हैं, मीडिया का प्रभाव हम पर इतना है
कि और मीडिया का वक्त भी ऐसा है, हमारा वक्त खींच लेता है पढ़ाई के बावजूद, काम के बावजूद। लेकिन हमारे जहाँ भी किताबें अब होगी, क्योंकि हमें इस कमी का पता लग गया है, लेखकों को भी, प्रकाशकों को भी और शिक्षकों को भी, कि यहाँ पर सचमुच में जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब छोटे होते हैं तो उनको पिक्टोरियल दे देते हैं जिसमें चित्र हैं, सचित्र किताबें निकल रही हैं, लेकिन जब आप जैसे वक्त पर पहुँचते हैं, आपकी क्लासेस में पहुँचते हैं, तो आप थोड़ा बड़ा चाहते हैं अपने आप को। बच्चों से आप बड़े हो गए हैं और बड़ों से आप अभी छोटे हैं, तो उस तरह की किताबें अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही मिलेंगी। मैं तो नहीं लिखूँगी, लेकिन शायद जल्दी आपको, क्योंकि हमारे जो छोटे लेखक हैं हमारी उम्र से बहुत छोटे, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको इस बात का एहसास है कि हमारे जो बच्चे इंग्लिश की लगातार किताबें पढ़ते हैं, जैसे स्टोरी बुक्स हैं, नॉवल है, छोटे नॉवल हैं, उनके मुकाबले में हमारे यहाँ इसकी कमी है। मैम, यकीनन जो आपने हमारे साथ आज बातें की हैं, यकीनन बहुत यादगार पल हैं हमारे लिए। हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में जिन लेखकों के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं, उनको असली नज़र में देखना, उनको सुनना, उनके सामने बैठकर बातें करना, यकीनन बहुत अच्छा अनुभव है। और यकीनन बेशक मैं अपने सहपाठियों के साथ इस अनुभव के बारे में चर्चा करूँगा और उनको भी इस बारे में ज़रूर बताऊँगा। देखो योगेश, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आप दोनों लेखक बनने वाले हैं। पर वैसे जो लेखक है ना, वो कोई ख़ास, वो कोई विशेष आदमी नहीं है। उसकी विशेषता सिर्फ ये है कि वो साधारणता को भी देख सकता है। विशेषता को तो सभी देखते हैं, लेकिन साधारण को, और उसका जो साधारणपन है उसके अंदर रहना बहुत ज़रूरी होता है। और आपकी सारी बात सुन के मुझे शक पड़ रहा है कि आप कुछ और नहीं करेंगे, लेखक ही बनेंगे। पर ये एक बहुत मुश्किल अनुशासन है, इसमें आदमी को बहुत ढीठ बनना पड़ता है, अब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ख्याति तो बहुत दूर से आती है, बहुत देर से आती है। फिर भी मैं आप दोनों के लिए बहुत सी ढेर सी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपने जो भी आप अपना अनुशासन तक पहुँचे। आज तो साइंटिस्ट, इंजीनियर, क्या नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रगति, आप कुछ भी कर सकती हैं। देखिए आपके तरह की लड़कियाँ कहाँ पहुँची हुई हैं। अभी कल मेरी भेंट किसी से हुई, उन्होंने कहा कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं कमांडर हूँ नेवी में। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मैं शिप की आर्किटेक्ट हूँ, वो शिप्स को डिज़ाइन करती है। कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। हाँ। आपने हमारे साथ समय बिताया। हाँ। और हमें हमारे साथ बातचीत की और योगेश बहुत अच्छा लगा। आप कुछ भी बनिए, राजनीतिज्ञ ना बन जाएंगे। बहुत अच्छा, आप दोनों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी।